Good morning, students. Today we will study the book Our India of class 4th. Chapter 1 Bharat ka ek parichay. Introduction of India. बच्चों आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश में करने हैं, बाकी मैं आपको समझा रही हूँ. जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूँगी, अभी आप इसे समझें. ये चैप्टर भारत के बारे में है, भारत कहाँ पे है, कौन सी दिशा में है, उसके राज्य कौन से हैं, तो हमें अपने भारत की जानकारी होनी चाहिए. चलो इसके बारे में पढ़ते हैं. सभी को अपने आसपास के क्षेत्र, अपने शहर एवं अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए. तीसरी कक्षा में आपने हमारी दिल्ली के बारे में पढ़ा, अब हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे. भारत एक बहुत बड़ा देश है. यदि हम बड़े आकार को आधार बनाए तो विश्व में हमारा देश 7वें नंबर पर आता है. संसार के नक्शे में भारत को देखिए, ये ग्लोब है. पूरे ग्लोब में आपको इंडिया देखना है. इंडिया आपको दिखेगा यहाँ पे, दिस इज इंडिया. इंडिया हमारा एशिया का पार्ट है. नक्शे में भारत को देखिए. इस विशाल देश को जानने एवं समझने के लिए सबसे पहले मानचित्र की आवश्यकता होती है. भारत को ही नहीं वरन पृथ्वी के विभिन्न शहरों, देशों, सागरों, नदी आदि के बारे में जानने के लिए मानचित्र बनाएं. अब मानचित्र क्या होता है? मानचित्र नक्शा यानी कि मैप पूरी पृथ्वी या इसके एक भाग का चित्र है, जो पैमाने एवं प्रतीक चिन्हों की सहायता से कागज या अन्य किसी चपटी सतह पर बनाया जाता है. मैप किसी प्लेन सरफेस पे बनाया जाता है, जैसे कि बुक है या प्लेन है, तो हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं मैप को. ये देखिए, ये भारत का राजनीतिक मैप है, पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे सभी पार्ट्स होते हैं, इंडिया के सभी स्टेट्स होते हैं, उनको इंडिकेट किया जाता है, उनको दर्शाया जाता है. बनाए जाते हैं. किसी देश या क्षेत्र के मानचित्र को देखकर हम उस देश की सीमा, नदियाँ, शहरों, पर्वत, मैदान आदि के बारे में जान सकते हैं. इसके लिए हमें मानचित्र को पढ़ना आना चाहिए. मानचित्र पर कुछ संकेत बने होते हैं, उन संकेतों को देखकर हम पता चलता है कि कहाँ शहर है, कहाँ नदी, कहाँ मैदान या पर्वत है. देखिए यहाँ पे ये संकेत बने होते हैं, यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है कौन सी चीज़ से, कौन से निशान से, कौन से कलर से क्या चीज़ दर्शाई गई है, तो ये संकेत होते हैं. इनकी हेल्प से हम पूरे मैप को, मानचित्र को स्टडी करते हैं. किसी नए स्थान के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह स्थान हमारे घर से किस दिशा की तरफ है. तो बच्चों आपको पहले तो, अभी आप फोर्थ क्लास में आ चुके हैं तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए. नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ जिस तरीके से ये हमारा भारत है. तो भारत के टॉप में उत्तर दिशा होती है यानी कि नॉर्थ, और भारत के बिल्कुल बॉटम में साउथ होता है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. आप फिर से देखेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अगर मैं आपसे कहूँ मुझे भारत के
नॉर्थ डायरेक्शन के स्टेट्स के नाम बताएं। तो नॉर्थ की तरफ ये हो गए, तो जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी नॉर्थ में आ गए। अगर मैं कहूँ भारत के ईस्ट, सॉरी भारत के, सॉरी फॉर डैट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, आपको फिर से बता रही हूँ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी देश, पूर्वी राज्य हैं। यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए भारत के उत्तरी राज्य बताइए, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब भारत के पूर्वी राज्य हो गए। अगर आपसे कहा जाए दक्षिणी, यानी कि बिल्कुल जो बॉटम में होते हैं, तमिलनाडु, केरल, चेन्नई, पौंडीचेरी, ये सब किस में आते हैं, दक्षिण में। अगर आपसे पश्चिमी कहा जाए, वेस्ट में, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब कहाँ गए, वेस्ट में। और ईस्ट में आ गए आपके असम, मणिपुर, इम्फाल, ये सब। किसी नए स्थान के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले उसे जानने का प्रयास करते कि वह स्थान हमारे घर से किस तरफ है। इसलिए हम सबसे पहले दिशाओं का मानचित्र में दिशाएं अवश्य दिखाई जाती हैं। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर दिशा ही दर्शाई जाती है। आजकल रास्तों व स्थानों का पता लगाने के लिए मोबाइल पर गूगल मानचित्र उपलब्ध है। क्या आपको इसका उपयोग किया है? आप अपने फ़ोन में इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पता लगाना है, चलो आपको अपने घर से ही स्कूल का पता लगाना है, अपने घर से अपने स्कूल का एड्रेस डालो और उस पर सर्च करो, तो आपको दिखा देगा कितना टाइम लगेगा, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तीर की नोक से उत्तर दिशा दिखाते हैं, चित्र संख्या 1.2। आप मानचित्र को अपने सामने रखिए, तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व, दिस इज पूर्व, एवं बाईं ओर पश्चिम होता है, पश्चिम। मानचित्र पर दिए गए अन्य संकेतों को देखकर इन्हें इसे समझने का भी प्रयास कीजिए। मानचित्र में रंगों का भी प्रयोग होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। गहराई पर ऊंचाई दिखाने के लिए भी अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई को अधिकतर भूरे रंग से और जल को नीले रंग से दर्शाते हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, देखिए इसे किस रंग से दर्शाया गया है। भारत के दक्षिण में जो ये भारत है, इसका दक्षिण कौन सा, ये, और बिल्कुल भारत के नीचे आता है हिंद महासागर। कौन सा महासागर, हिंद महासागर। और भारत के पूर्व में आती है बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में आता है अरब सागर, कौन सा सागर, अरब सागर। सभी बोलेंगे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, देखिए इसे किस रंग से दर्शाया गया है। इसके दोनों तरफ कौन से सागर हैं? भारत के उत्तर में पर्वतों की एक श्रृंखला है, इसे हिमालय पर्वत कहते हैं। ये जो भारत है, इसके उत्तर में यहाँ से हिमालय श्रृंखला है। आप मानचित्र में राज्यों की गिनती कीजिए और पता कीजिए कि भारत में कितने राज्य हैं। तो बच्चों, आपको अपनी कॉपी में भारत के राज्य और उनकी राजधानियां लिखनी है। फिलहाल भारत में 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं आज के टाइम पे। पहले ये कितने थे, 29।
भारत के नक्शे में देखिए, गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है और अंत में कौन सी नदियाँ इसमें मिलती हैं। भारत में कई नदियाँ भी बहती हैं, आप इन्हें मानचित्र संख्या 1 देखिए, ये भारत का मैप है, इसमें पहाड़ नदियाँ सभी दिखाई गई हैं। गंगा यमुना नदियों के नाम आप अवश्य सुने होंगे, इसके अलावा भी भारत में कई बड़ी नदियाँ हैं। भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। ये अब गलत हो चुका है, अब ये हो चुके हैं, अट्ठाईस और 9, यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है अब वो हमारा स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इनके नाम आप मानचित्र में पढ़ सकते हैं, इन राज्यों की अपनी विशेषताएं हैं, इनमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बंगला, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ आदि। दिल्ली को विशेष राज्य का स्थान प्राप्त है। तेलंगाना हाल ही में भारत का राज्य 29वां राज्य बना था, ये भारत का 29वां राज्य जरूर बना था, पहले 28 थे फिर 29 हुए, अब फिर पिछले साल 29 से 28 हो गए हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य का दर्जा था अब उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो राज्य फिर से कम हो गए, अब 28 हो गए हैं और यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई हैं 2। भारत में सभी धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि मिलकर रहते हैं, इस तरह अनेकता में एकता का देश है। चलो बच्चों अब बताओ, भारत में एकता में अनेकता कैसे है? अभी आपने पढ़ा है भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैन, पारसी आदि सभी, इसी वजह से भारत में अनेकता में एकता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करें और इस चैप्टर को समझें। आपको अपनी कॉपी में स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स लिखनी है इंग्लिश में, क्योंकि ये ए सेक्शन है इंग्लिश मीडियम का, आपको स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स लिखनी है, और जो मेन मेन अभी स्टेट्स इसमें आए हैं जैसे कि उनकी लैंग्वेज लिखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक।